पिशाच को हम कर्ता पुरख अकाल मूर्ति अजूनी सै पंगुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सै पंगुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सै पंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच धन गुरु नानक 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 बड़े भाग ने अमृत वेला है गुरुआ की बाणी है इसनू वडभागी किया है जिंदे कोल माया बहुत उन्होंने नहीं किया वडभागी जिंदे को जमीन जायदाद बहुत है उन्हें वडभागी नहीं आख्या जिंदे को बहुत उच्चे अहुदे ने उन्हें भी वडभागी नहीं आख्या राजा महाराजा ने वडभागी नहीं आख्या वड भागी आख्या नाम जपन संगत करने अमृत वेला ते गुरां दी बाणी मिठी है कर लो वड्डिया भागा वाले पढ़ लो अमृत वेला ते गुरां दी बाणी मिठी है कर लो भागा वालियो अमृत वेला ते गुरां दी बाणी मिठी है लाले लो भागा वालियो अमृत वेला ते गुरां दी बाणी मिठी है अमृत वेला ते गुरां दी बाणी मिठी है साहा ले लो भागा वालियो अमृत वेला ते गुरां दी बाणी मिठी है लाहा ले लो भागा वालियो अमृत वेला ते गुरां दी बाणी मिठी है लाहा ले लो भागा वालियो अमृत वेला ते गुरां दी बाणी मिठी है लाहा ले लो भागा वालियो अमृत वेला ते गुरां दी बाणी मिठी है लाहा ले लो भागा
ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਪੜਿਓ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਤ ਜਿਣਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਪੜਿਓ तन तन पात ना भक्त जना जो हर नामा हर मुख कत्या जड़े हरि दा नाम मुख दे नाल जपदे चंगा जे मुंह नाम निकले बरड़ा के निकल जे डर नाल निकल जे दुख सुख नाल निकल जे मुखो हरी दा नाम निकले तन तन भाग तिना संत जिना जेड़े हरी दा नाम जपदे ने अगे तन तन पात ना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनते आ संतां दे भाग तन ने जो हरि दा जस कन्ना नाल सुनते तन तन पात ना साध जना हर कीर्तन गाए सुनी जन बनतिया उन्हां साधुआं दे भी तन तन भाग ने जेड़े हरि दा कीर्तन करदे आ ते गुणी हो जांदे आ उस्ताद बन जांदे आ तबला कीर्तन वाजा सितार रबाब सारे साज बजाउणे सिखदे उन्हां दे बड़े बड़े भाग ने जिहड़े कीर्तन करदे आ ते नाले उस्ताद गुणी जन बनदे ने गुणी जन तन तन पात ना गुरमुखा जो गुरसिख लै मन जिनत्या गुरमुखां दे तन तन भाग ने जेड़े गुरु दी मत लैके हिरदे च वसाउंदे फिर पढ़े पंक्ति तन तन पात ना गुरमुखा जो गुरसिख लै मन जिनत्या जिन्हां ने गुरसिखी प्राप्त की मन नूं जोड़िया है गुरु दे नाल मन नूं जित्तिया है मन नूं समझाया है मन दे मगर नहीं लगे मन कहिंदा सी नहीं उठना उठे आ मन नूं मगर लाया मन कहिंदा सी पाठ नहीं करना उन्हूं करन लाया मन रोकदा सी मन नूं इस पासे ला रहा गुरु वाले पासे उन्हां दे भाग चंगे वड्डे ने गुरमुखां दे सब दू वड्डे पा गुर सिखा के जो गुर चरनी सिख पढ़ते आ सारिआं तों वड्डे भाग गुर सिखां दे आ जिहड़े सिख गुरु दी चरनी पै जांदे ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਵ
ਤਨ ਤਨ ਪਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਗ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਪੈ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪਾਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਪ ਲੋ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਇਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ ਭਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਆ ਗਏ ਹੰਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੋਗਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੰਸ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਣਾ ਚੋਗਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਨੇ ਪਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਕੌਣ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਣਗੇ
पर रखते नहीं, मुल मोड़ दें, बड़ा कुछ दें। तू एक बार इन्हों महंगे तो जरूर नहीं, हीरे मोती राजा इन्हों हीरे मोती पा, हंसा हीरे मोती पाए उन्होंने खा ले, सरवर अंदर हीरा मोती ओ हंसा का खाना, मान सरोवर ते हंस रेंदे आ, छप्पड़ा ते नहीं रेंदे, झीलां नदियां ते नहीं, वो तो दूजे जानवर रेंदे आ, डड्डू मछियां जानवर खाण वाले, ये मान सरोवर ते रेंदे आ। खीर गंगा मान सरोवर झील उथे हंस होंगे, हीरे मोती खाते। बाणी च लिखा भी सरोवर अंदर हीरा मोती वो हंसा का खाना पड़े। सरवर हंस तुरई मेला खसमै वै पाणा, सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना, बगला कागना रही सरवर जे हो वै अत से आना, ओ नारज का ना पायो थे ओ ना हो रो खाना, सच कमाने सचो पाये कूड़े कूड़ा माना, नानक तिन को सतगुर मिलया जिन्ना तुरे पया परवाना। फिर पढ़े सरवर हंस तुरे ही मेला, सरवर दाते हंसा दा तुरोई मेले, सिखा दा गुरु दा तुरोई मेला, ये हुण नहीं होया, मुढ़ तो लैके ये सिखां दा ते गुरु दा सरवर ते हंसां दा संयोग जुड़दे आ, बहाने बणदे आ। ये धुर तो दरगाहों लेख लिखे आ, तां मेला हुंदा है महापुरशां नाल संगत नाल, ते सरवर दे अंदर हीरे मोती हंसा दा खाना है, सिखां दी खुराक भी गुरु कोल है, वो सिखां नूं मिलदी है, बाहरों नहीं मिलदी। अगली पंक्ति बगला काग, बगला काग न रही सरवर जे हो वै अत सियाणा, बड़े सियाणे होंदे आ वो आते संगत च, फिर रेंदे नहीं, वो चले जाते हैं छड़ जाते हैं। बगला जिहड़ा कां है ये संगत विच नहीं रेंदा, भावें किन्ना सियाणा हो गए, नीच दी संगत है ये, भावें किन्ना सियाणा हो गए रेंदा नहीं संगत विच। अगे ओ ना रिजक ना पयो थे ओ ना हो रो खाना, वो संगत विच आ जाणगे थोड़ा चिर रहणगे, उन्हां दी खुराक ही हो रही, वो चले जांदे फिर संगत च, मन उदास हुंदा उन्हां दा। सरवर दे अंदर हीरे मोती हुंदे आ, वो हंसा दा खाना है, बगड़ा काग कोई भी नहीं रहिंदा,
ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਪ ਲੋ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰਿ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। ਸੱਚ ਕਮਾਣੈ ਸੱਚੋ ਪਾਈਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜਾ ਮਾਣਾ। ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਣ। ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਪਰਵਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਰੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ, ਆਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੋਰਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ, ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ,
रब वास प्रसाद पानी छकाया संगत नु रोकिया सेवा कर ली संगत ने चरण पवाए मन इच्छा अनुसार भेटा दर्शन किते सिर पाव दिते साध संगत राधिया जोड़ी जुड़ी खड़ा सारी साध संगत अरदास बेनती करेगी भाई तेरा कार्य सौर जाएगा तेरे ते कृपा होगी वो कहते भी पांच सिंह अरदास कर दिन गुरमुख नितनेमी होने ते कम रास हो जाता है वो कहते पांच तो बहुत ने एक सिख भी गुरु दे भावना भरोसे नाम जपन आला एक सिख दोए साध संग पंजी परमेश्वर भावना बनाउण दी लोड़ है गुरु ते भावना बन गई हरिमंदर साहब ते भावना आपां दूर ही मत्था टेकदे सोने ने थोड़ा टेकदे गुरु का दूरों नजर आता है नमस्कार कर दिया ये गुरु का घर है साध संगत गुरु का रूप होंगी भावना बनावे किंतु परंतु ना करे दर्शन किते मथा टेकिया अरदास कीती प्रसाद छकाया जो दूजी वारी संगत गई उन्हें फिर रोक लिया वो कहते भाई हुण क्यों रोकिया सारिया तू पिछली वारी भी संगत नूं रोकिया सी कहिंदे पिछली वारी रोकिया सी भी मेरे घर गुरु साहब कृपा करन हुण मेरे घर च कृपा हो गई है हुण मैं शुकराने वजो रोकिया साध संगत दा शुकराना कीता है दूजी वारी कहिंदा हुण मैं सारिआं नूं शुकराना करना सारी संगत दा शुकराना भी करो अरदास भी करो भावना दे फल मिठे होंदे आप समाप्ति करनी है सारी संगत श्रवण करेगी अंदर कमरे च दर्शन कर लियो मथा टेक लियो ते इन्ना ही समागम करना है बाकी फिर जदों गुरु साहब मेहर करनगे उत्थे संगत जिन्ना पाठ करना सुखमणी दा कर लैणगे इत्थे दीवान दी समाप्ति है नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्हां तुरे पिया परवान गुरु साहब हाजरियां लाउण सारिआं दीआं ते हुकमनामा लै के उत्थे अरदास कर देनी सारी संगत ने कमरे जी हुकमनामा लवो ते उत्थे पाठ सुखमणी दा फिर संगत कर लवेगी इत्थे समाप्ति है असी भी उत्थे प्रोग्राम जरूरी पहुंचना है ते आग्या लवांगे संगत तो सतगुरु मेहर करन कृपा करन सहाई होण इस कार्ज विच इस संगियां दे बच्चियां दे बाबा जी कार्ज रास करन भाई गुरमीत सिंह गुरु साहब ने कृपा बख्शिश कीती है एवें संगत ने चरण पाउंदे रहना है कीर्तन कथा हुंदा रहे धरती पवित्र हो जाती है पार हौला हो जाता है जो लोग नचते टपते खा
मनमनिया कर दिया धरती दे पाप पाप वधदे शराबा भी पीते मास भी खाते धरती भारी हो जाती है जो फिर संगत आके कीर्तन कर दी है फिर धरती दे पाप धोते जाते हैं किले विख मैल भरे परे हमरिश हमरी मैल साधु की धूर गवाई इस करके किडे मर्जी वड्डे वड्डे काम करो संगत दे चरण पौंदे रहो कीर्तन कथा हुंदी रहे महापुरश गुरु क्या संगत आउण महीने बाद दो महीने बाद सत्संग कर लिया फिर भार नहीं पीता गुणा नहीं चिंबड़ते पाप औले हो जाते कई बार फिर वड्डे वड्डे कारोबार च पाप चिंबड़ जाते फिर दुख तकलीफ आउंदी है साध संगत नाल ही सोभदे जदों गुरमुख महापुरश संगत आवे उन्हां दी सेवा करो मत्था टेको पेटा दियो जल पानी छकाओ फिर साडे पाप घट जांदे आ नहीं तां असीं कम कार वड्डे करदे आ ते फिर नजरां किसे दीआं नहीं लगदीआं सिर्फ हौमे आ जांदी आ कि मैं इन्ना वधिया इन्ना सोहणा वड्डा बना लिया फिर वो विघन पैंदा है घर च कमी आउंदी फिर किसे तरह दी विघन उदों पैंदे जदों असीं हौमे कर लैंदे आ वी माण कर लैंदे आ तेरा तुझको सौंपते क्या लागे गुरु मैं भी तेरा कारोबार भी तेरा बच्चे भी तेरे उन्हां नूं समत बख्शो मैनू भी समत बख्शो गुरु साहब अगे बेनतियां करदे रहा करो फिर सारे काम गुरु साहब जदों कोई विघन पवे उदों गुरु नू चेते करो जदों जान बिपता ने घेरी ते फिर कहिंदे सतगुरु जी फिर याद आई तेरी जदों जान दुखा ने घेरी फिर याद आई मालका तेरी औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाली औखियां घड़ियां तो बचा लेंदे हर जस गाओ हुकमनामा सुनो हर जस गायो संत जनामिल 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 जन्म के दुख गवायो ओट जन्म के दुख गवायो जो चाहत सोई मन पायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो कर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम बढ़ाई सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई मिल हर जस गायो संत जना मिल हर जस गायो संत जना मिल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दुसरा दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदू जी करने आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ने मुख उजले एदी छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल